नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुरुजी का स्कूल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो आपको किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक लाने में सहायता प्रदान करेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न संख्या एक, उड़ीसा मंत्रिमंडल ने राज्य स्तर खेल बुनियादी ढांचा विकास परियोजना को मंजूरी दी है, इस योजना की लागत धनराशि कितनी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 356.38 करोड़। उड़ीसा मंत्रिमंडल ने राज्य स्तरीय खेल बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के लिए 356.38 करोड़ धनराशि की मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या दो, महात्मा गांधी की पहली उड़ीसा यात्रा के 100 साल पर किसके द्वारा डाक टिकट जारी किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है संजय धोत्रे। संजय धोत्रे द्वारा महात्मा गांधी की पहली उड़ीसा यात्रा के 100 साल पर डाक टिकट जारी किया गया है। प्रश्न संख्या तीन, केला महोत्सव का आयोजन किस प्रदेश में किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। केला महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। प्रश्न संख्या चार, दुनिया का पहला मोबाइल पानी किसके द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर एयर कोयस्क द्वारा दुनिया का पहला मोबाइल पानी बनाया जा रहा है। प्रश्न संख्या पाँच, गुलामी के शिकार लोगों की याद का दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 25 मार्च। 25 मार्च को गुलामी के शिकार लोगों की याद का दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या छः, भारतीय नौसेना द्वारा किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है एक्सटेंशन ऑफ नवल जेट्टी चरण दो का भारतीय नौसेना द्वारा उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या सात, बैंकों के लिए आवेदन की जांच किसके द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आरबीआई। आरबीआई द्वारा बैंकों के लिए आवेदनों की जांच की जाएगी। प्रश्न संख्या आठ, खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ NSF के रूप में किसको मान्यता दी गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारतीय शैली कुश्ती संघ को खेल मंत्रालय द्वारा NSF के रूप में मंजूरी दी गई है। प्रश्न संख्या नौ, पशुओं के लिए पहला भारतीय एम्बुलेंस नेटवर्क किस राज्य में चलाया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पशुओं के लिए पहला भारतीय एम्बुलेंस नेटवर्क चलाया गया है। प्रश्न संख्या 10, जेह वाडिया ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, यह किस कंपनी के MD थे? तो दोस्तों जेह वाडिया गोयर कंपनी के MD थे जिन्होंने हाल ही में अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। किस राज्य में औपचारिक स्वदेशी ज्ञान प्रणाली स्कूल खोला गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में औपचारिक स्वदेशी ज्ञान प्रणाली स्कूल खोला गया है। प्रश्न संख्या 12, पहला FIDS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन शतरंज में भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है PEAN। PEAN द्वारा पहला FIDS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन शतरंज में रजत पदक जीता गया। प्रश्न संख्या 13, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 24 मार्च। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 14, किस बैंक द्वारा तत्काल EMI सुविधा प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ICICI बैंक द्वारा तत्काल EMI सुविधा प्रारंभ की गई है। प्रश्न संख्या 15, CBSE के मूल्यांकन रूपरेखा का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा CBSE की मूल्यांकन रूपरेखा का विमोचन किया गया है। तो दोस्तों हमारे आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।